हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल जेड टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन अचारी। तो इसे फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल अपने स्टाइल में बनाया है और एकदम डिफरेंट एंड यूनिक तरीके से। फ्रेंड्स इसे मैंने जो है अपने खुद के खेतों में से ही तोड़कर लाया है बैंगन, तो उसकी वीडियो भी मैंने थोड़ी सी जो है रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो मैं इसी में आपको शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही यूनिक तरीका है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी भी जो रेसिपी है वो एक ही बार में परफेक्ट बने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बैंगन अचारी बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैं अपने खेतों में गई और मैंने जो है वहां से बैंगन को तोड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैंगन कितना प्यारा दिख रहा है ना, एकदम अंडे की तरह दिख रहा है। तो इसे हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो बैंगन है या फिर कोई भी जो सब्जी होती है, अमरूद या फिर कुछ भी, तोड़ने में बहुत ही अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। ये देखिए कितना हरा हरा पेड़ है और ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है ना। तो सारे बैंगन को हम पहले तोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो है थोड़ा छुप छुपाते गई थी क्योंकि साइड से बहुत सारे लोग थे, तो मैंने बहुत ही केयरफुली होकर और इसे मैंने तोड़ा है। तो हमारा सारा बैंगन जो है वो मैंने तोड़ लिया है, अभी भी इसमें बहुत सारे बैंगन हैं। तो चलते हैं, हमारा जितना चाहिए था हमें उतना मिल गया है। बैंगन अचारी बनाने के लिए हमने जो है बैंगन को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसके बाद इसे हमने जो है एक कॉटन के कपड़े से सारे बैंगन को पोंछ लेना है। तो ये देखिए, और फ्रेंड्स बैंगन का साइज भी देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया साइज है और इसी साइज का हमें चाहिए भी था। अब हमने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग मैंने जो है बिल्कुल फ्लावर की तरह की है, ये देखिए, और बीच में हम इसे चेक भी कर लेंगे कि जो सड़ा हुआ तो नहीं है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच रेड चिली पाउडर और एक चम्मच नमक ऐड करके इसे मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कुछ मसाले जो है रोस्ट करेंगे, जिसमें मैंने लिया जीरा, मेथी दाना, धनिया, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और लाल मिर्ची। इन सबको हमने जो है अच्छे से रोस्ट कर लेना है और इसका जो है इसे मैंने जो है 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भुना है। अब हम इसे मिक्सी जार में ऐड करके इसे जो है पीस लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन भी ऐड किया था और उसे भी पीस लिया है। इसके बाद मैंने जो है कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। इसमें मैंने ऐड किया सरसों का तेल और उसे मैंने अच्छे से हीट कर लिया और इसमें मैंने जो है बैंगन को फ्राई कर लिया है। तो इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे एक साइड से 5 मिनट तक फ्राई किया था और दूसरे साइड से भी 5 मिनट फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए इसे हमने जो है कवर कर करके ही फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारा जो बैंगन है वो फ्राई हो चुका है। इसी तरह से बाकी का जो बचे हुए बैंगन है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फाइनली हमारा सारा बैंगन फ्राई हो चुका है। अब हम चलते हैं ग्रेवी की प्रोसेस में। वापस से हमने जो है उसी ऑयल में ऐड करना है 1 चम्मच खड़ा जीरा और उसे हमने तड़क लगा लेना है। तड़क लगते ही हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे। तो इसके बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा जो है हमने नमक ऐड कर लेना है ग्रेवी के हिसाब से। तो बस इसे हमने कवर कर लेना है और कवर करके हमने मसाले को जो है काफी अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए इसे मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुना था और ये मसाला हमारा काफी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए बैंगन को। मसाले में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि बैंगन जो है हमारा फ्राई हो चुका है और ये काफी अच्छे से कुक है तो ये टूटने लगेगा, इसलिए इसे हमने जो है बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे चला लेना है। ऊपर से हम इसमें ऐड कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसे कवर करके हमने कुक कर लेना है। तो फाइनली हमारा जो बैंगन है वो काफी अच्छे से कुक हो चुका है और हमारा बैंगन अचारी जो है वो रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अट्रैक्टिव बन के रेडी हुआ है।
तो दिख रहा है ना फ्रेंड्स कितना अट्रैक्टिव एंड कितना टेम्पटिंग। फ्रेंड्स जितना अट्रैक्टिव दिख रहा है खाने में भी ये बहुत ही अमेजिंग होता है। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये बैगन अचारी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह से एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।